स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, जो कुछ इस तरह से है, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई वाई टू प्लस एक्स इक्वल टू, प्रूव करना है हमें कॉट स्क्वायर एक्स। तो प्रूव करने के लिए कोई एक साइड लेते हैं हम, तो LHS ले लेते हैं यहाँ, LHS इक्वल टू LHS हमारा कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई वाई टू प्लस एक्स। तो स्टूडेंट देखते हैं हम, यहाँ हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कॉस 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा या पाई प्लस एक्स में बताया था कि 180 प्लस हो या 360 प्लस हो या एन इंटू 360 प्लस हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती, केवल हमें साइन देखना पड़ता है। तो कॉस पाई प्लस एक्स में थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो माइनस कॉस एक्स हो गया ये माइनस कॉस एक्स। अब हम देखते हैं कॉस माइनस थीटा को, कॉस माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये कॉस माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये साइन पाई माइनस एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स से मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये साइन एक्स ही हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम देखते हैं कॉस पाई वाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई वाई टू से मतलब 90 प्लस एक्स, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में कॉस माइनस होगा और 90 प्लस है इसलिए वैल्यू भी चेंज होगी, तो कॉस से साइन हो जाएगा यानी कि साइन एक्स। अब हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये हमारा है साइन स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट आप जानते हो कि कॉस अपॉन से साइन कॉट होता है, तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और यही हमारा RHS फाइंड करना था हमें कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन हमें दिया है कुछ इस तरह से, कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स 2π प्लस एक्स कॉट 3π/2 माइनस एक्स 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स 2π प्लस एक्स और इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है 1। तो आपको ये प्रूव करना है 1, देखते हैं LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल टू हो गया कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स और ये हमारा कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स।
तो देखते हैं स्टूडेंट क्या करना है। इक्वल टू ये हमारा लिखा है कॉस थ्री पाई वाई टू प्लस एक्स। अब थ्री पाई जहाँ पाई आता है ये तो हम पाई से ही समझ लें, नहीं तो हम अगर थ्री इंटू 180 करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ 270 प्लस में आएगा। तो अगर हम यहीं से देखना चाहें तो ये थ्री पाई वाई टू का मतलब होता है पाई प्लस पाई वाई टू। इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई वाई टू और ये प्लस एक्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टू पाई प्लस पाई थ्री पाई वाई टू ही आता है। तो इसको हम ब्रैकेट में कर दिए। अब यहाँ पर आता है हमारा कॉस टू पाई प्लस एक्स। अब कॉस टू पाई प्लस एक्स ये क्या होता है 360 होता है, और 360 प्लस एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो न तो वैल्यू चेंज होगी, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाएगा आसानी से कॉस एक्स। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखते हैं थ्री पाई वाई टू माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थ्री पाई वाई टू को हमने लिखा पाई प्लस पाई वाई टू और ये माइनस एक्स। इसको भी हम ब्रैकेट में कर दिए और ये लिखा है कॉस टू पाई प्लस एक्स। कॉस टू पाई प्लस एक्स फिर वही 360 प्लस एक्स, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, साइन भी चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू कॉस। अब ये देखो लिखा है पाई प्लस पाई वाई टू प्लस एक्स। अब केवल हम यहीं से देख लें कि पाई प्लस यानी कि 180 प्लस में भी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा से मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन चेंज होगा इसका, और साइन चेंज हो करके ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। थीटा का मतलब हो गया पाई वाई टू प्लस एक्स। कॉस एक्स एज इट इज। अब यहाँ हम देखते हैं ये है पाई प्लस थीटा, इसमें भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आएगा, और थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा यानी कि कॉट पाई वाई टू माइनस एक्स और प्लस ये कॉस एक्स इक्वल टू ये अब आया पाई वाई टू प्लस एक्स। तो पाई वाई टू प्लस एक्स में 90 हुआ, 90 में वैल्यू चेंज होती है, और पाई वाई टू 90 प्लस सेकंड में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन होगा, माइनस पहले ही से है तो ये हो गया साइन एक्स और ये हुआ कॉस एक्स। अब कॉट पाई वाई टू माइनस एक्स है यानी कि 90 माइनस एक्स फर्स्ट में ही आएगा, चेंज होगी वैल्यू तो ये हो गया टेन एक्स प्लस कॉस एक्स। और अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ हम लिख लेते हैं साइन अपॉन कॉस होता है टेन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम आएगा इधर कॉस एक्स, कॉस एक्स ये वन टाइम गया तो ये आ गया साइन एक्स, ये कॉस एक्स टाइम गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स हमारा कैंसिल हो गया और इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी ये मिस्टेक हो चुकी है हल्की सी, क्या था कि यहाँ कॉट था और मैंने यहाँ कॉस लिख दिया था,
तो अब सारी जगह पे कॉट ही आ जाएगा, कॉट टू पाई प्लस एक्स, तो कॉट टू पाई प्लस एक्स, यहाँ कॉस लिख दिया था भूल से, तो कॉट एक्स कॉट एक्स कॉट एक्स, अब कॉट एक्स को चेंज किया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जब एलसीएम लिया तो कॉस एक्स साइन एक्स आया, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर एक्स हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, ये साइन एक्स कॉस एक्स दोनों कैंसिल हो गए तो हमारा ये आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू होती है आइडेंटिटी है ये वन, और यही हमें प्रूव करना है। तो ये आ गया हमारा आर एच एस। तो देखना स्टूडेंट, यहाँ मिस्टेक थी कि कॉट की जगह कॉस लिख गया था, थोड़ा ध्यान से आप भी देखना, मिस्टेक मुझसे भी हुई है। तो ये कॉस एक्स की जगह कॉट एक्स लाना है, तो आपकी वैल्यू आएगी वन, जो हमारा आर एच एस होगा। नोट डाउन इट।